وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدر محترم دائس پر بیٹھے ہوئے امائدین شہر اور حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. माशाअल्लाह इस्लाम और रवादारी के टॉपिक पर एक बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट पर बहुत खुश्क मौजू पर आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस्लाम और रवादारी, ये रवादारी जो है ये अखलाक का एक हिस्सा है, लेकिन हमें मुकम्मल तौर पर अखलाक का हुक्म दिया गया है, हमें एक एक बात का हुक्म दिया गया है. हमको ये बताया गया है कि अपनी आवाज़ कैसी रखें, वग़्ज़ुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को नरम रखो, किस अंदाज़ में बात करें, क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छे अंदाज़ में बात करें. अगर हम बस में बैठे हैं और कंडक्टर ने हमको टिकट दिया और अगर हमने उसको कहा तुम चाह आभारा है या थैंक यू, कोई भी अल्फाज हमने कह दिए, तो कितना बड़ा जो हमारा गैप है वो कम होगा. मैं एक बार बस में सफ़र कर रहा था तो आपको मालूम है 124 नंबर की बस बहुत ज़्यादा क्राउडेड बस होती है और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब बस से उतरा तब तक वो कंडक्टर आता नहीं टिकट लेने के लिए. तो एक दो मरतबा के टिकट का पैसा मुझ पर बाकी था, मैं उतर गया तो मेरा स्टेशन आ गया. तो मैंने एक बार कहा कि भाई आप मुझे दो टिकट दे दीजिए, तो उसने दो टिकट दिया, मैंने उसके सामने टिकट फाड़ दिया. बोले ऐसा क्यों आप फाड़ दिए, आपने दो टिकट क्यों लिए? मैंने कहा पहले का मेरा बाकी है तो इस हिसाब में दे दूँ. तो अच्छा, बोले इस्लाम में तो हराम है, अगर मैं ऐसी सफ़ा करके मस्जिद में जाता तो मेरी नमाज़ कबूल नहीं होती. तो नमाज़ के कबूल कराने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि मैं कंडक्टर को बस का किराया सही तौर पर अदा करूँ, नहीं अदा कर सका तो मैं. तो उसने कहा अच्छा, इस्लाम इतनी अच्छी तालीम देता है. तो हमारा मामला यह है कि कुरान में इस्लाम लिखा हुआ है, अहादीस मुबारक में इस्लाम लिखी हुई है, लेकिन अगर इस्लाम अगर हमारे अमल से ज़ाहिर हो, हर आदमी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बारे में सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि काना खुलुकुल कुरान, कि उनके अखलाक जो है कुरान है. तो अगर हम भी मुजस्सम कुरान बन जाएं, हमारा हर अमल जो है वो कुरान की कुरान का के तालीमात का नमूना बन जाए, तो ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ जाएगा. हम जो कहते हैं कि भाई एक आदमी जो है ये मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, मेरा ये ख्याल है कि आज बहुत मौजूदीन यहाँ बैठ तशरीफ़ फरमा हैं, अगर हम लोग एक डिसीज़न लें कि जो आदमी नाहक कत्ल को जायज़ समझता है वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं. कोई भी ऐसा अमल जो शरीयत में हराम है उसको हलाल जानने वाला इस्लाम मुसलमान है ही नहीं. तो अगर हम ये कह दें कि वो काफिर है, मुसलमान हो ही नहीं सकता. अभी हम कहते हैं कुछ लोग, एक आदमी भी नहीं है ये दहशतगर्द नहीं है, एक मुसलमान भी दहशतगर्द नहीं है, हमको तय कर लेना चाहिए. हम ये कहते हैं भाई कुछ लोग हैं तो मतलब है कि हम एतराफ़ करते हैं, हालांकि ये भी बात है कि शरीयत का उसूल है कि अल अक्सर फिल हुक्म अल कुल और अशाज़ु कल अदम, के अक्सर जो है वो कुल के हुक्म में है और कुछ लोग अगर करते हैं तो नहीं ये बराबर है. लेकिन फिर भी हमको याद रखना चाहिए कि जो शख्स हराम काम को हलाल समझता है वो मुसलमान ही नहीं. अब मैं आपको ये बताऊं कि एक बार एक साहब जो है वो ट्रेन में बैठे थे, मुसलमान थे, और ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, जगह नहीं थी बैठने की, और एक हिंदू वहाँ खड़ा था और बहुत थका हुआ नज़र आ रहा था, परेशान नज़र आ रहा था. तो वो जो बैठा हुआ शख्स था उसने उसको कहा कि आप यहाँ पधारिए, ज़रा सरक के बैठ गया, उसको जगह कर दिया. तो उन्होंने कहा आप सब बैठे रहिए, तो उसने कहा नहीं नहीं प्लीज़ बैठ जाइए, मेहरबानी होगी. तो बैठ गया, बैठने का कि मैं आपका आभार मानता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जगह दी. बोले आभार तो मुझे आपका मानना है, जो मुसलमान बैठा था उसने कहा कि आपने मुझे जगह कबूल करके मुझे नर्क से बचा लिया, मुझे जहन्नम से बचा लिया,
बोले मैंने आपको जहन्नम से कैसे बचाया? बोले इस्लाम ये तालीम देता है कि अगर कोई शख्स पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा हो तो वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता। तो अगर मैं पेट भरकर जगह पर बैठा होता और तुम सफ़र के मेरे पड़ोसी हो, तुम जगह के मामले भूखे रहते, तो मैं स्वर्ग में जा नहीं सकता, तुमने जगह कबूल करके मुझे नर्क से बचा ली। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, उसने दो चार तालीमात बताई, तो वही वो हल्का बगोश इस्लाम हो गया। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अखलाक अच्छे हों। ये अभी हमारे सामने बहुत सा मुकर्रीन ने बात पेश की, खैरुन नास मैयन फ़ाउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों को नफ़ा पहुँचा। या कुछ भी हमारे यहाँ तासुब नहीं, तासुब हम लोगों ने इख्तियार कर लिया है, हम लोगों ने बना लिया है अपने अपने गोशे अपने अपने हल्के, लेकिन इस्लाम में कोई तासुब नहीं है। कुरान ये बताता है वम्मा मा यनफ़ाउन नास फ़यम कुसुफ़िल अर्द, जो इंसानों को नफ़ा पहुँचाता है वो उसकी ज़मीन में साख बिठा देते हैं। तो आज अगर हमारी अपनी साख बिठानी है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों के साथ, तमाम इंसानों के साथ अच्छा अखलाक रखें। आप बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, दूसरों के साथ में हुस्न सुलूक से पेश आइए, मुस्कुरा के। चलो मुस्कुराना भी सुन्नत, कितना पैसा खर्च होता है मुस्कुराने में, एक पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन हमारा आम तौर पर यह है कि चेहरा ऐसा हमारा होता है, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, हमको हुक्म दिया गया कि तुम किसी के इंसान के लिए अपना चेहरा बिगाड़ो मत। लेकिन आम तौर पर हमारा मामला ऐसा होता है कि कोई आलिम के पास जाएँ, मुफ्ती के पास जाएँ, किसी बुज़ुर्ग के पास जाएँ, तो चेहरा ऐसा बना होता है कि मालूम होता है 2:30 बज रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको पूरे तौर पर इस्लाम पर अमल करना चाहिए। और ये जो बात है कि इतना बड़ा जलसा बुलाना पड़ा, इसमें बड़ा खर्च होता है, इतने लोगों को दावत देना आता है, लेकिन हमारे पास तो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जुमा के दिन तमाम लोग मस्जिद में मौजूद होते हैं। अगर हम 95% बातें जो है उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं, अखलाक में क्या इख्तिलाफ़ की बात है? लोगों से अच्छे सुनने सुलूक किया जाए, बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए, बच्चों के अंदर उसने अखलाक पैदा किया जाए, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी सिलसिले में 2009 में उर्दू टाइम्स अखबार में एक सिलसिला शुरू किया था, पैगाम जुमा, पूरा साल जो है कि जुमा के दिन हम ऐसा पैगाम दें, तमाम मसलों में इत्तेफाक है और वो इत्तेफाक की बातें जो हैं वो हम पेश करें, तो जुमा के दिन वो हम उसको बिल्कुल हमने एकदम रस्मी बना के रख दिया। या हम बात करते हैं मुस्तहबात की, मकरूहात से बचने की, तमाम बातें करते हैं, लेकिन जो हराम बातें हैं उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। अकायद हमारे सही हों, अकायद के अंदर बिल्कुल पुख्ता हों, तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। ये जलसा जिन मुंतजिमीन ने बुलाया उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा मौका फराहम किया। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो ये कोशिश करें कि हमारी मस्जिद से ये पैगाम हो, ताकि ये एक एक आदमी, जितने फिक्रमंद लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन बेफिक्रे जो अपने घरों में बैठे हैं उन तक बात पहुँचाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा इमेज सही होगा, हमारे जो हमारा कहना चाहिए कि हमारे बारे में जो गलत तस्वुर लोगों में कायम हो गया है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। मैं मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।